मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के अर्पिता मुखर्जी से काफी करीबी संबंध था। शिक्षा जगत का लूट का पैसा अर्पिता मुखर्जी के पास से बरामद होना कुछ और ही इशारा करता है। शुक्रवार को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी की, जिसमें 21 करोड़ 20 लाख कैश, $1,000 और 85 लाख के गहने मिले थे। मगर अब खुलासा हुआ है कि ईडी की टीम को अर्पिता के फ्लैट से काले रंग की एक डायरी भी मिली है, जिसमें शिक्षक भर्ती धांधली से जुड़े सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े कई कागजात भी ईडी की टीम को मिले हैं। इनमें डायमंड सिटी में पार्थ चटर्जी के फ्लैट का हिसाब किताब है। खुलासे के मुताबिक डायमंड सिटी में पार्थ चटर्जी के तीन बंगले हैं, जो कि 18D, 19D और 20D है। इसमें से एक बंगले में अर्पिता मुखर्जी रहती थी, जबकि एक फ्लैट पार्थ चटर्जी के पालतू कुत्तों के लिए रिजर्व था। ईडी के मुताबिक करोड़ों के इस बंगले में सिर्फ पार्थ के कुत्ते रहते थे। पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के नाम से बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। यह संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्थ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जमीन और बागान बाड़ी खरीद रखी है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक शांति निकेतन में पार्थ चटर्जी के नाम से 3 बागान बाड़ी हैं। जम्बोनी इलाके में एक लग्जरी फ्लैट भी है। अर्पिता मुखर्जी के नाम से भी शांति निकेतन में संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी ने हुगली के जंगीपारा में अर्पिता मुखर्जी के मामा के लिए नया घर भी बनवाया। इसकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। ईडी की जांच में मोनालिसा दास के नाम से 10 फ्लैट होने के बाद भी सामने आई है। ये मोनालिसा भी ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही है। विदेशी कारोबारियों के संपर्क में भी थी। सोलो टेप से बंधी नोटों की गड्डियों को लेकर कहा जा रहा है कि इन्हें भी बाहर भेजने का प्लान था, मगर उससे पहले ईडी ने छापा मार दिया। पकड़े गए, जांच छुड़ाने की बोले जांच होनी चाहिए। आप बोले ना बोले जांच तो होना ही है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े गए। इतनी बड़ी धन बंगाल का सर झुका दिया आप लोगों ने। ईडी जब हाथ लगा ईडी का तो अंत तक जाएगा, और हम भी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका छुटकारा हो और भी उनके साथ जो लोग हैं उनको भी जेल में ले जाया जाए। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की तो उसके बाद खुलासा किया कि अर्पिता मुखर्जी को बड़ा बनने की ख्वाहिश थी। बेलघरिया से कोलकाता के पॉश डायमंड सिटी में रहने आ गई। साल 2005 में अर्पिता ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद बंगला और उड़िया फिल्मों में साइड रोल किया। अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा कमेटी से जुड़ी और यहीं पर उनकी मुलाकात पार्थ चटर्जी से हुई। जल्द ही अर्पिता मुखर्जी को पार्थ चटर्जी के नागतला उदयन संघ का चेहरा बना दिया गया। चुनाव प्रचार में भी वो पार्थ चटर्जी के साथ नजर आने लगी। अर्पिता पार्थ चटर्जी की बदौलत ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर कर चुकी है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अर्पिता मुखर्जी की एक बार तारीफ की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि अर्पिता मुखर्जी की 6 शेल कंपनियों में सीधी भागीदारी थी और वो मृगनयनी बुटीक की पोस्टर गर्ल भी बन गई। 2 साड़ी कंपनियां भी ईडी के रडार पर हैं। इन साड़ी कंपनियों ने अर्पिता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। एक साइड हीरोइन को ये मंजिल तय करने में 20 साल लगे और उसमें फिल्मों का कोई योगदान नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है कि अर्पिता शॉर्टकट को अपनी सफलता का जरिया मानती थी। महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिडनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने ममता बनर्जी को 4 बार फोन लगाया था और चारों ही बार ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। पहली कॉल तड़के सुबह 2:31 पर की है, दूसरा फोन 2:33 पर किया है। इसके बाद तीसरी कॉल 3:37 पर लगाई गई, मगर ये भी नहीं उठी। आखिर में चौथा फोन सुबह 9:35 पर किया गया, लेकिन इस बार भी जवाब नहीं मिला। ईडी ने अपनी कागजी कार्रवाई में बकायदा इसका जिक्र भी किया है। अब सवाल यह है कि आखिर पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी को फोन लगाने की वजह क्या है।
तो इसका कारण अरेस्ट मेमो है। अरेस्ट मेमो के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक व्यक्ति को सूचित कर सकता है जिसमें परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है। पार्थ चटर्जी ने इसलिए ममता बनर्जी को चुना, मगर उनके सूबे के मुखिया ने मुसीबत में एक बार भी फोन नहीं उठाया। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पूरे मामले से दूरी बना ली है। वो पश्चिम बंगाल में हुई शिक्षक धांधली से खुद को अलग रख रही हैं। किंतु आमी चाहे विद इन द टाइम फ्रेम सत्यर विचार हो, सत्यटा जदि केउ दोषी प्रमाणित होय ताके जावज्जीवन कारादंड दिलो आई डोंट माइंड। प्री प्लांड है या प्री प्लांड नहीं है, पैसा रिजर्व बैंक में चला गया, जो मंत्री है वो इसमें पुलिस रिमांड में है, वहाँ पीजी अस्पताल में है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, समझ गया। अभी कोर्ट में विचार चल रहा है तो कोर्ट को छोड़कर हम विचारधारा आपके सामने कैसे रहे। ये पार्टी का पैसा नहीं है, पार्टी मुलविस नहीं है, लेकिन पार्टी सोच रही है अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए लीडर को चमकाने धमकाने के लिए क्या होगा तो पार्टी एक रूट तय करेगी, और अगर कुछ और होगा तो किसी ने कुछ किया होगा अलग है, लेकिन उनका पैसा है अभी तक ये बात किसी ने नहीं कहा। ईडी ने खुलासा किया है कि पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी के लगातार संपर्क में थे और उन्हीं के घर से ऐसी पर्चियां मिली जिसकी बिना पर उस फ्लैट पर छापा मारा गया जिसमें अर्पिता मुखर्जी रहती थी। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के करीबी हैं और मौजूदा सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते हैं। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के वाणिज्य उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हैं। 2014 से 2021 तक जिस वक्त पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की बात कही जा रही है तब वो ही पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी टीएमसी के टिकट पर 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पार्थ चटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 2006 से 2011 तक नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल महासचिव भी हैं। ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से ही वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें भुवनेश्वर के एम्स तक ले जाने के लिए मनाना काफी मुश्किल भरा था। वहीं उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर बता रही हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक धांधली को लेकर ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन इनमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम ही सबसे ज्यादा चर्चा में है। ईडी को शक है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के काले कारनामों को उगल सकती हैं और इसमें जरिया बन सकती है वो ब्लैक डायरी जिसे अर्पिता के घर से बरामद किया गया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।